इंतजार अब खत्म हो चुका है क्योंकि डेडपूल और वॉल्वरिन थिएटर में रिलीज हो गई है। भाई अगर यह मूवी अपने थिएटर में मिस कर दी और ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हो तो ये गलती मत करना। भाई अगर आप सुपर हीरोज की मूवी देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आप थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना। आप अफसोस करोगी बाद में कि आपने यह मूवी थिएटर में क्यों नहीं देखी। अगर आप मार्वल के सच्चे फैन हो तो आपको यह मूवी देखना नेसेसरी है। मूवी के बारे में कम से कम स्पॉइलर देने की कोशिश करूंगा लेकिन अपनी दिल से फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहूंगा इस मूवी के बारे में। मुंह में आपको भर भर के एक्शन, भर भर के कॉमेडी और भर भर के वायरलेस देखने को मिलेगा। भाई साहब डेडपूल जो लेवल की कॉमेडी करता है उसे देखकर तो आप जरूर खुश हो जाओगे और हंस हंस के पागल हो जाओगे। इतना मूवी में आपको डेडपूल का जो कैरेक्टर है वह बार बार आपको आप मतलब ऑडियंस से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है जो कि बहुत काबिले तारीफ है। फिल्म आपको पहले पल से ही एक्शन में डाल देती है और फिर यह इस पागल लेकिन अजीब तरह से आकर्षक एंटी हीरो की कहानी को धीरे धीरे सामने लाने के लिए शानदार और अप्रत्याशित तरीकों से आगे पीछे होती है। ये फिल्म एक बेहतरीन कृति है, शुरुआत से लेकर अंत तक मजेदार और बेहद मनोरंजक। डेडपूल एक हास्य टोन और एक गंभीर टोन का सही मिश्रण है। फिल्म मजेदार, रोमांचक, एक्शन, भावनाओं और प्रेम समीकरण से भरपूर है। डेडपूल और वुल्वरिन का ओपनिंग सीन MCU मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में टॉप 3 ओपनिंग सीन में से एक है। वास्तव में ये देखकर आश्चर्य हुआ कि यह कितना शानदार था। शुरुआत से ही डेडपूल और वुल्वरिन हास्य, एक्शन और दिल के अपने सही मिश्रण से दर्शकों को बांधे रखती है। रयान रेनॉल्ड्स और ह्यूग जैकमैन ने अपने प्रतिष्ठित किरदार को फिर से निभाया। भूमिकाएं और उनकी केमिस्ट्री बिजली से कम नहीं है। रेनॉल्ड्स का डेडपूल अपनी विशिष्ट बेबाक बुद्धि लाता है जो चौथी दीवार को आत्मविश्वास के साथ तोड़ता है, जबकि जैकमैन का वुल्वरिन एक जमीनी गंभीर विरोधाभास जोड़ता है जो फिल्म को खूबसूरती से संतुलित करता है। दृश्यात्मक रूप से फिल्म एक ट्रीट है, विशेष प्रभाव दोषरहित हैं और सिनेमेटोग्राफी प्रत्येक चरित्र की दुनिया के सार को पकड़ती है। वुल्वरिन के अतीत की गंभीर नॉयर-एस्क सेटिंग से लेकर डेडपूल के वर्तमान की जीवंत अराजक ऊर्जा तक। साउंडट्रैक भी विशेष उल्लेख के योग्य है जो फिल्म के विभिन्न मूड को पूरी तरह से पूरक करता है। भाई मूवी को लास्ट तक जरूर देखना, पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर देखना क्योंकि भाई डेडपूल की एंट्री हो चुकी है MCU में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मूवी आप हिंदी डब में ही देखना क्योंकि रायन ने इतने बढ़िया वन लाइनर्स मारे कि भाई 2-3 बार मूवी देखनी पड़ेगी वन लाइनर समझने के लिए। भाई मूवी बहुत ज्यादा 18+ है क्योंकि मूवी R-rated है लेकिन ब्रूटल सिर्फ वायलेंस, डायलॉग और गौर में है क्योंकि न्यूडिटी वगैरह नहीं है। तो भाई अगर मूवी आप 3D में देखने जाओगे तो और बढ़िया रहेगा लेकिन सिर्फ थिएटर में एक्सपीरियंस करने लायक मूवी है ये। मेरी तरफ से मूवी को 9/10। बाकी मुझे कमेंट में बताना कि आपको मूवी कैसी लगी और क्या मैं मिस कर दिया। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।